आइए देखते हैं। किड्स माय स्कूल के इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे मुंडवा की बागेश्वरी विद्या मंदिर स्कूल के बारे में, क्या है उनका शैक्षणिक स्तर और शैक्षणिक स्तर को लेकर किस प्रकार यहाँ के छात्र अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं। आइए जानते हैं बेटा किस प्रकार की यहाँ पढ़ाई कराई जाती है। हमारे यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं। पढ़ाई में जो चीज आगे काम आने लायक होती है, हमारा भविष्य बनाती है, वो चीज हमें महत्वपूर्ण तरीके से बताई जाती है। खेलकूद प्रतियोगिताएं होती है, समय समय पर हमें खेलकूद प्रतियोगिताएं भी सिखाई जाती है। यहाँ पे मतलब सभी गतिविधियाँ, कंप्यूटर शिक्षा, खेलकूद, यहाँ पे सब सब गतिविधियाँ करवाई जाती है। हमारे यहाँ पे चार फंक्शन और होते हैं जिनमें हम स्टूडेंट द्वारा मतलब प्रतियोगिता करवाई जाती है। पढ़ाई के साथ साथ अनेक प्रतियोगिताएं भी की जाती है जिससे हमारा शारीरिक विकास भी हो सके और अच्छी तरीके से सभी टीचर्स मन मन से हमें पढ़ाते हैं। मेरे को मेरे विद्यालय में सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे हमारे टीचर हमारे में निखार करने का बहुत कोशिश करते हैं। स्कूल के इस कार्यक्रम में अब हम जानेंगे बागेश्वरी विद्या मंदिर के संस्था प्रधान से कि किस प्रकार वे यहाँ बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करते हैं और उनका क्या उद्देश्य है। सर आपका मूल मोटो क्या रहता है। देखिए सर कि 24 मई सन 2000 से विद्यालय का शुभारंभ हुआ था। महाविद्यालयों महानगरों के अंदर जैसे तकनीकी शिक्षा बढ़ रही है, वैसी तकनीकी शिक्षा हम इस छोटे से कस्बे में हमारे मोटो नगर के उन बच्चों के साथ में देना चाह रहे हैं। बागेश्वरी विद्या मंदिर स्कूल में न केवल तकनीकी शिक्षा दी जाती है वरन संस्कारवान युक्त शिक्षा देना भी इस विद्यालय का प्रमुख ध्येय है। मनोज सोनी, जी मीडिया, मुंडवा। इसमें स्कूल में अब बात कोटा के कैथून में।